इस एपिसोड के स्टार्ट में हम यूजी की बॉडी के अंदर झांकते हैं और हम वहां पर सुकुना को देखते हैं और यूजी को भी। सुकुना कहता है कि बिना मेरे परमिशन के मेरे अंदर मत झांको। यूजी उसे पूछता है कि हम कहाँ हैं और उन दोनों के बीच एक फाइट होती है और उसमें सुकुना यूजी को हरा देता है। वो कहता है कि तुम बहुत प्रेडिक्टेबल हो, जिसके बाद सुकुना उसे बताता है कि तुम अभी मरे नहीं हो और ये जगह इनेट डोमेन है, यानी एक तरह से मेरा दिमाग। वो कहता है कि अगर तुम मेरी एक कंडीशन मानो तो मैं तुम्हारे हार्ट को ठीक कर दूंगा और तुम बच जाओगे और उसके साथ साथ मैं भी बचाऊंगा। उसे एक्चुअली फुशुगिरो के पावर में इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा होता है। वो यूजी को कहता है कि पहला कंडीशन कि जब मैं एक्सटेंशन कहूँ तो तुम अपनी बॉडी को एक मिनट के लिए मेरे हवाले कर दोगे, और हाँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस दौरान किसी को मारूंगा नहीं और ना ही किसी को चोट पहुंचाऊंगा। और दूसरा ये कि तुम इस बारे में भूल जाओगे कि तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया है। यूजी कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। वो कहता है कि अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो टेंशन मत लो, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। पर यूजी उसके कंडीशंस को एग्री नहीं करता और फाइट में सुकुना उसे हरा देता है। एंड देन हम देखते हैं कि उस ऑटोप्सी सेंटर में गोजो इचिजी यानी वो आदमी उसे बताता है कि वो टीचर क्यों बना। गोजो कहता है कि जुजुत्सु वर्ल्ड या ये सभी जुजुत्सु ऑर्गेनाइजेशन करप्ट हो चुके हैं और यूजी की मौत उसी का एक नतीजा है। वैसे तो मैं जाकर उन सभी का मर्डर कर सकता हूँ, पर ऐसा करने से वो रिप्लेस होंगे, इससे कोई सुधरेगा नहीं और इसके बाद कोई मुझे फॉलो भी नहीं करेगा, ना ही मेरे कहे हुए रास्तों पर चलेगा। इसीलिए मैं आने वाले जुजुत्सु सॉर्सरर्स को टीच करना सही समझता हूँ, ताकि वो आगे जाकर इस जुजुत्सु सोसाइटी को बदले और उसका हिस्सा बने। और इसीलिए मुझे यूजी के मरने पर इतना गुस्सा आ रहा है। डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करने वाली होती है कि तभी यूजी उठ खड़ा होता है। ये देखकर वो सभी चौंक जाते हैं और गोजो उसे वेलकम करता है और वो उस डॉक्टर को कहता है कि रिपोर्ट्स में यूजी को मरा हुआ ही दिखाना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस पर फिर से अटैक हो, और जब तक वो उसे थोड़ी ट्रेनिंग दे देगा और सीधे स्पोर्ट्स इवेंट में सबको उसके बारे में बताएगा। और दूसरी ओर हम उन कर्सेस को देखते हैं, वो कर्सेस जो कि वोल्केनो जैसा दिख रहा होता है, काइंड ऑफ उसका नाम होता है जोको। वो कहता है कि क्या हम गोजो को मार सकते हैं। आई सी इट्स काइंड ऑफ आयरनी, आई मीन जोको गोजो को मारने का प्लान बना रहा है, काइंड ऑफ फनी। वो दूसरा आदमी कहता है कि गोजो को मारना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसे प्रिजन रियल्म में ट्रैप करेंगे, जो कि एक स्पेशल ग्रेड ऑब्जेक्ट है। और ये सुनने के बाद जोको काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और इस एक्साइटमेंट में वहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर प्रेजेंट हर आदमी जल जाता है। वो कहता है कि गेटो, जो कि उस आदमी का नाम होता है, कि अगर मैंने गोजो को मार दिया तो क्या तुम उस कर्स ऑब्जेक्ट को मुझे दे दोगे, और वो हाँ कर देता है। वहाँ जुजुत्सु टेक में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर गोजो यूजी को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो कहता है कि तुम क्लोज कॉम्बैट में वैसे काफ़ी अच्छे हो, तो फिलहाल तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना है। वो उसे एक डेमो देता है कर्स एनर्जी और कर्स टेक्निक के बारे में, पर यूजी इज लाइक सो वो उसे समझाता है कि कर्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जैसा है और कर्स टेक्निक इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ कहूँ अप्लायंसेस, जिसका मतलब कि कर्स एनर्जी का यूज करके तुम अलग अलग तरह के काम को अंजाम दे सकते हो। यूजी कहता है कि शायद उसने पहले ऐसा कुछ कर्स उस स्पेशल ग्रेड से लड़ते वक्त यूज किया था। वो उसे ट्राई करने के लिए कहता है पर बात नहीं बनती। गोजो उसे कहता है कि कर्स एनर्जी को एक्टिव करने के लिए तुम्हें नेगेटिव एनर्जी चाहिए और तुम वहाँ उस कर्स एनर्जी को इसलिए एक्टिवेट कर पाए क्योंकि तुम डरे हुए थे, यानी नेगेटिव इमोशन। गोजो कहता है कि कई तरह की ट्रेनिंग होती है जिससे कि तुम अपने कर्स एनर्जी आउटपुट को सेम मेंटेन रख सकते हो, चाहे तुम्हारा मूड कैसा भी हो, वरना तुम अपनी कर्स एनर्जी को जल्दी ड्रेन कर दोगे और तुम्हारी कर्स एनर्जी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और वो कहता है कि इसीलिए तुम देखोगे मूवीज अलग अलग तरह की, और उसके साथ साथ वो उसे एक डॉल भी देता है। वो उसे कहता है कि ये प्रिंसिपल के बनाए हुए कर्स डॉल में से एक है और जब तुम मूवीज देखोगे
उसके साथ साथ तुम्हें इस डॉल में कर्स एनर्जी भी फ्लो करनी होगी, और अगर तुम्हारी कर्स एनर्जी का फ्लो कांस्टेंट नहीं हुआ तो समझ गए। और गोजो वहां से चला जाता है, पर जाने से पहले वो यूजी को पूछता है कि क्या उसके हार्ट को ठीक करने से पहले सुकुना ने उसके आगे कोई कंडीशन रखी थी। वो कहता है कि हाँ शायद रखी तो थी, पर उसे याद नहीं आ रहा। गोजो इचिजी के साथ कार में प्रिंसिपल से मिलने जा रहा होता है, पर बीच सड़क में वो इचिजी को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और उसे कहता है कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगा, और वो कहता है कि ठीक है अब बाहर आ जाओ। और तभी वहां पर जोगो आ पहुंचता है, गोजो उसे देखकर कहता है I see. और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। Gonna keep you all the night.